हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज बहुत दिन बाद हम लोग घूमने निकले हैं, तो देखिए इस ब्लॉग को, एडवेंचरस ब्लॉग को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बालाचरा टी स्ट्रीट होते हुए, तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आप लोग नहीं, उसको क्या बोलते हैं लौड़ा, ये देखिए गुवाहाटी लापलंग, एक्चुअली हरंगा साहब। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे, और सिलचर टाउन का रोड का तो अवस्था आपको पता है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर और मेंटेनेंस किया गया है रोड के। तो आप, हम लोग जा रहे हैं चार बाइक में, और हमारा दोस्त सीनियर भी है, जूनियर भी है, सब कुछ मिला के। और जूनियर मिलने से हम सिंगल है, जूनियर है, तो देखते रहिए वीडियो। तो इधर देखिए पहाड़ों के बीच, तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे स्टॉप ले रहे हैं, और ये हमारे दोस्त लोग। और गाइस हम लोग अभी देख सकते हो एकदम नया रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, पहाड़ों के बीच पहाड़ काट के रास्ता बना हुआ है। बहुत मस्त काम था ये भाई। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे फोटो खींचेंगे, और सामने भी जाना है, तो देखते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा नेचुरल व्यू है। और गाइस हम लोग आ गए इस पहाड़ों के बीच। अजय को फेंकने वाले हैं इधर से, अजय बांसुरी वाला। There's one waterfall. Guys, there's one prime location. और गाइस आप लोग देख सकते हो रास्ते में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड करा हुआ है, और तो वो दो तीन मंथ पहले जो बहुत ज्यादा बारिश हुआ था असम में, तो भी ये सब हुआ था। अभी भी यहाँ पर करा हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, कहीं जगह पे क्लियर हुआ है, पर अभी काम चल रहा है। और देखते रहिए आगे भी, देखिए आप लोग रास्ते की दोनों तरफ एकदम मिट्टी से भरा हुआ है। बांसुरी का वाले आज देख सकते हो आप लोग पीछे बहुत जोरों से काम चल रहा है रास्ता क्लियर करने के लिए। और अभी हम लोग जाएंगे एक वाटरफॉल में, सामने पीछे था पर वो अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग अभी आगे जाएंगे, देखते हैं वहाँ की सिचुएशन कैसा है, और बाइक के अंदर जा सकता है क्या वाटरफॉल के एकदम नज़दीक।
तो गाइस बहुत ही ज्यादा धूप है और अभी आप लोग जा रहे हो, पीछे देख सकते हो तो रेलवे का ट्रैक और यहाँ पे देख सकते हो लैंडस्लाइड रुकने के लिए कुछ घर क्या गया है। अगर इसी तरह ऐसे उसे रखते हैं तो मतलब मिट्टी चट मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा, तो लैंडस्लाइड होने का चांस बहुत ही कम होगा। और यहाँ से आप लोग सिर्फ 43 किलोमीटर बाकी है, तो अभी हम लोग आप लोग नहीं जाएंगे शायद, तो देखते हैं कितना जा पाते हैं। और फिर शाम में घूम रिटर्न भी होना है तो देखते हैं। गाइस अभी हम लोग बांदरफल आ चुके हैं और यहाँ पे रेस्ट लेंगे, दुकान पे कुछ खाएंगे। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे एकदम वाटरफॉल की तरह है, वाटरफॉल की तरह नहीं वाटरफॉल ही है वो। यहाँ पे देखिए पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है पानी में। और यहाँ से होते हम लोग निकल चुके हैं, देख सकते हो गाइस बहुत ही ज्यादा कूल टाइप की है ब्रो। गाइस मजा आ गया गाइस वाटरफॉल में, एकदम शरीर ठंडा हो गया सर। और आगे देखिए उसी वाला रॉन्ग साइड में आ रहा है ट्रिपर। और देखिए नजारा गाइस, काम भी चल रहा है साथ में, नेचुरल ब्यूटी का मजा भी लीजिए। और यहाँ पे टैंकर की लाइन लगा हुआ है, कुछ नहीं होटल होटल आसिन पर गाड़ी वन 45। और हम लोग अभी हम लोग औरंगाबाद क्रॉस कर चुके हैं और अभी और 30 मिनट्स लगेगा आप लोग जाने में। तो देखिए यहाँ पे रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और देख सकते हो ये रास्ता एक ही रास्ता है, मतलब छोटा रास्ता है और बाकी सभी रास्तों में दो लाइन के काम चल रहा है, पर यहाँ पे एक लाइन से काम चल रहा है अभी। और बाहर की व्यू देखिए, यहाँ पे रेलवे का क्वार्टर वगैरह अभी अभी यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, देख सकते हो आप लोग
ब्रिज का फाउंडेशन हो गया है और अभी और ऊपर जाना है हमको। बहुत वाला एक्टर एंगल पे लो, बहुत वाला एंगल एक्टर पे लो, बोला एक्टर एंगल लो गाइस 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 अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आई लव डिमासा जहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग आके यहाँ पे फोटो खींचते हैं। वहाँ पे आ गए हम और देख सकते हो व्यू ऊपर से एकदम चकाचक नीला हुआ है और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट है डिमासा हम लोग में, तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग बहुत समय वो वाटर पूल में भी थे और वहाँ पे मजा किया और देख सकते हो यहाँ पे शायद पार्किंग का जगह है। और ये बोल रहा है साया से बोले कहा अभी अभी हम लोग हैं डिमासा के एथनिक विलेज की जिसका नाम है लेड़ुआ नेरलुआ और यहाँ पे एक साम ऑफ सम टाइप ऑफ स्टेडियम कर लो। वाईफाई कॉटेज वीआईपी कॉटेज वीआईटी गार्ड और द पीपल ऑफ वीआईटी हेलमा पीपल हेलमा कॉटेज रंगखोल कॉटेज मॉडर्न विलेज होता दियो।